तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग। हमने पिछले 30-35 या 40 क्लासेस में आपके साथ डिस्कस किया था एक्सेल के बारे में, जिसमें हमने एक्सेल फॉर्मूला, एक्सेल की चार्टिंग और एक्सेल से रिलेटेड सारे ट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात कर रहे हैं वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग पे, राइट? तो सबसे पहले कुछ चीजें आप अपने हैबिट में रखिए अगर वीवीए सीखने जा रहे हैं तो। पहला कि प्रैक्टिस आपको टाइम टू टाइम करना है। आप एक्सेल में प्रैक्टिस के लिए काफी ज्यादा ढीले थे, बराबर आप अपनी प्रैक्टिस फाइल नहीं भेजते थे, लेकिन वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एक्सेल से आप फैमिलियर थे, एक्सेल आप यूज कर रहे थे, एक्सेल आप डेली क्लास लेने से पहले भी यूज कर रहे थे और इसको ऑफिशियल लाइफ में भी कर रहे थे, बट वीवीए प्रोग्रामिंग आपके लिए नया है। दूसरी चीज कि ये है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, मतलब हर एक चीज को कैरेक्टर में लिखना है, मतलब कि एक कोड में लिखना है, एक भी कॉमा एक भी डैश डेसिमल नहीं छूटना चाहिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सब चीजों पे आपको ध्यान नहीं जाएगा। सो नीड टू प्रैक्टिस, क्लियर है? अब इसके साथ साथ थोड़ी सी मैथमेटिकल प्रैक्टिस भी आप कर लीजिएगा तो और ज्यादा बेनिफिट होगा। तो हम सबसे पहले जब बात करते हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के यूजेस के बारे में, इसको हम यूज कब करेंगे। सौरभ जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर, जी आ रही है सर। देखिए, मैं हर किसी को सजेस्ट करता हूं, वीवीए का यूज होता है ऑटोमेशंस, मतलब कि ऑटो पायलट क्रिएट करने के लिए, या कुछ ऐसे टूल्स, ऐसे फंक्शन, ऐसे चीज करने के लिए जिसके लिए एक्सेल में इनबिल्ट फीचर नहीं है। अगर फीचर है भी तो लेंदी है या फिर आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है, वीवीए उसके लिए है। मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने तरफ से एक्सेल को बहुत अच्छी तरीके से बनाया और आपको दिया, फिर भी उसने एक एडिशनल टूल्स आपको दे दिया कि अगर आपको इस एक्सेल के अलावा दिए फीचर्स के अलावा कुछ चाहिए तो ये टूल्स वीवीए का ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। समझ गए? मतलब क्या हुआ कि खाने के लिए रोटी सब्जी मिल गई, उसके बाद भी आटा आपको दे दिया गया कि भाई रोटी सब्जी पसंद ना आए, किचन आप सॉरी आटा छोड़िए, किचन आपको दे दिया गया अगर रोटी सब्जी पे काम ना चले तो जो जैसा मन वैसा। बच्चों की इस टाइम आप लेते रहते हो, नहीं आपको ठीक है। पता ठीक है, तो इसलिए वीवीए। अब वीवीए का इस्तेमाल हम कब करेंगे? सबसे पहला चीज जान लीजिए कि आप ऐसे फाइल पे वीवीए का इस्तेमाल करने से बचिएगा जो फाइल किसी को मेल कर रहे हैं, किसी को भेज रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक रिपोर्ट की फाइल बनाई और उसको आपने 500 लोगों को भेज दिया, राइट? अब प्रॉब्लम क्या है कि आपका माइक्रो बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, हर एप्लीकेशन में फर्स्ट टाइम आपको माइक्रो को अनेबल करना पड़ता है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि 500 लोगों को आपने जो रिपोर्ट भेजा है वो सारे लोग माइक्रो से फैमिलियर हो इसकी गारंटी तो नहीं है। हो सकता है उसमें से 400 लोग ऐसे हो जो माइक्रो कभी यूज ना किए हो और माइक्रो को नहीं जानते हो, तो आपको 400 लोगों को इंफॉर्मेशन देना होगा कि प्लीज अनेबल योर माइक्रो, राइट? एक जो है एक टीडियस जॉब हो जाता है, एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जॉब हो जाता है। तो अगर आप अपने फाइल ऐसे पर्सन को भेज रहे हो जो कि जैसे आप मुझे भेज रहे हो, मैं माइक्रो इस्तेमाल करता हूं, तो आप मेरे फाइल में माइक्रो लगा के भेज सकते हैं। लेकिन ऐसे पर्सन को भेज रहे हो जिसको पता है कि वो माइक्रो यूज करता है नहीं करता है, जानता है या नहीं जानता है, तो मेरा सजेशन है कि आप माइक्रो अवॉइड करें। ठीक है सर? सौरभ जी, जी सर, जी सर। लेकिन सर पता कैसे चलेगा सामने वाले को कि हमने माइक्रो वाली भेजी है कि सादा भेजी है? जैसे ही फाइल में कोई माइक्रो लगा होगा, जैसे वो फाइल को ओपन करेगा तो वहां पे वो सिक्योरिटी वार्निंग दिखेगा,
अनेबल माइक्रो का पॉपअप आएगा। अब फाइल खोलते हो तो एक्सेल फाइल में ऊपर में जहां फॉर्मूला बार होता है वहां पे नहीं आता है सिक्योरिटी वार्निंग? आता है। हाँ, वो सिक्योरिटी वार्निंग, वही मैं पूछा, जिसको पता रहेगा वो तो अनेबल कर लेगा ना। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर से उनकी फैमिली का नहीं है, वो अपने काम के अकॉर्डिंग ही यूज करते हैं, तो ऐसे लोगों को दिक्कत होगा ना सर। अब मैं मना नहीं कर रहा हूं, पहले से इनेबल है, मैं बोला आपको मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप मत कीजिए, लेकिन अवॉइड कीजिए जब तक पूरी तरह से डिपेंडेंसी ना हो कि भाई बिना मैक्रो का काम हो ही नहीं सकता है, तो उस केस में आप मैक्रो इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपका काम बिना मैक्रो का हो सकता है तो आप मैक्रो को अवॉइड करें। मैक्रो हमारा लास्ट होना चाहिए, लास्ट ऑप्शन, नॉट इन फर्स्ट ऑप्शन। उसको प्रिफरेंस हम एक्सेल को देंगे, लास्ट ऑप्शन हमारा वीवी होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसे फाइल पे मैक्रो बना रहे जो कि आप अपने हद तक ही रखते हो, उसको कॉपी पेस्ट करके भेजते हो, तो आप अपने हिसाब से धड़ल्ले से मैक्रो यूज कर सकते हो, छोटा बड़ा उसके लिए कोई जरूरत नहीं है, राइट। लेकिन किसी को शेयर कर रहे हो तो उसमें ये चीज देखिएगा, ये चीजें प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपको मैं बता देता हूं, बाकी आपके डिसीजन के ऊपर है कि आप क्या करें। लेकिन मुझे लगा कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको दिया। अब बात आती है सिचुएशन, ये तो हो गई आपकी ऑप्शंस हो गए, अब बात करते सिचुएशन। देखिए माइक्रो दो जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है, पहला रिपीटेड जॉब, ऐसा काम जो आप डेली बेसिस पे करते हो, घंटा दो घंटा आपका डेली खाता है, ऐसे फाइल को आप ऑटोमेट कर सकते हो, ठीक है। अब बात यह कि आप ये सोचेंगे कि अभी एक ही बार मैं ऑटोमेट कर दूं, तो हो सकता ना हो, परसेंटेज होता है कि मान लीजिए आप फाइल बनाने में 20 स्टेप लेते हो, आपने आज माइक्रो रिसर्च किया, 5 स्टेप को ऑटोमेट कर दिया, अगले दिन भी 5 स्टेप को, फिर अगले दिन 5 स्टेप को, मतलब कि ऐसे 10-15 दिनों में आपका एक फाइल ऑटोमेट हो जाएगा। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तो अगर आप एक ही बार ऑटोमेट करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होता है कि उसको हर सिचुएशन पे अलग अलग डेटा पे टेस्टिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब इन फ्यूचर में अगर डेटा के प्रॉपर्टी चेंज हुआ, डेटा का टाइप चेंज हुआ, तो आपको एरर शो करेगा, हो सकता है कि वो एरर आप ना देख पाए, इसलिए अब मैं बोल रहा हूं कि टुकड़ों में ऑटोमेशन करें ताकि 10-15 दिन के डेटा पे उसका टेस्टिंग हो जाए, ठीक है। दूसरा आता है लेंदी जॉब। लेंदी जॉब मतलब कि ऐसा काम जो कि आया एक ही बार है लेकिन काफी ज्यादा लेंदी है, करने में काफी टाइम लगेगा। अब चलिए दोनों का एक एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे कि अभी आपको जो मैं मेल किया क्लास लिंक, उस मेल को अगर आप देखोगे तो मेल क्या है, वो मेल है कि वो माइक्रो द्वारा किया गया है। मेरे फाइल में अगर जाए आप यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे बैच की टाइमिंग डाला और जाके हमने डेवलपर में जाके हम माइक्रो इसका शॉर्टकट M, कंट्रोल M है, उसको रन कर दिया। इसने बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली क्या किया, बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली एक्सेल को खोला, सॉरी क्रोम खोला, जीमेल खोला, लॉगिन किया, कंपोज किया और सारा मेल आपको भेज दिया। तो ये हमारा एक क्यों किया, क्योंकि मुझे हर एक घंटे बाद हर बैच को एक नया मेल करना होता है, इसलिए हमने ये ऑटोमेशन किया, राइट। लेकिन मान लीजिए कि छोटी सी डेटा पे मुझे समरी बनाना है और ये डेटा आज ही आई है, इन फ्यूचर में डेटा होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है, तो ऐसे चीजों पर वीवीए इस्तेमाल करना थोड़ा सा अनयूजुअल होगा, क्योंकि वो काम नॉर्मली पिवट टेबल से भी बन सकता है, तो क्यों हम वीवीए का कोडिंग लिख के टाइम बर्बाद करें, क्योंकि वो एक ही बार आया हुआ है क्या, मतलब कि हम वीवीए इस्तेमाल करते हैं टाइम सेविंग के लिए ना, तो हम पहले देखेंगे ना कि हमको वीवीए प्रोग्राम करने में टाइम कितना लग रहा है और मैनुअल बनाने में टाइम कितना लगेगा। मैनुअल बनाने में टाइम अगर लग रहा है तो 1-2 मिनट या 5 मिनट लग रहा है, और वीवीए कोडिंग में 10-20-50 मिनट लग रहे हैं, तो हम वीवीए सॉक्स से क्यों इस्तेमाल करें,
ये चीज का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं लेंदी जॉब, ऐसा काम जो आया है एक ही बार लेकिन काफी ज्यादा लेंदी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एड्स पोस्ट साइट लिस्ट, हेलो हेलो सर, कॉपी कर रहा हूँ डेटा सर, थोड़ा तो स्लो चल रहा है आज सिस्टम। ये तो एक्सेल का है, बेस कर दिए। अब हमें क्या करना है कि ये समझ लीजिए कि मेरे पास डेटा है। डेटा में आप मान लीजिए कि इतने सारे हमारे वेबसाइट्स है, दिख रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे इस वेबसाइट को कहीं लोड करना है हाइपरलिंक में। अब प्रॉब्लम है कि इसमें वेबसाइट कंप्लीट नहीं है, जैसे देखिए खोज ले एड पोस्ट, इसका क्या एक्चुअल है। लेकिन इसकी जो हाइपरलिंक लगा हुआ है उसमें एग्जैक्ट लोकेशन डाला हुआ है, तो मुझे हर किसी का हाइपरलिंक कॉपी करना है। तो अगर हम मैनुअल करने जाए तो हमें यहाँ राइट क्लिक करके एडिट लिंक पे जाना होगा, दो इसको कॉपी करना होगा, सॉरी, और फिर पेस्ट करना होगा। सॉरी गलत हो गया। राइट क्लिक, एडिट हाइपरलिंक, इसको कॉपी करेंगे और फिर इसके सामने पेस्ट करेंगे। अब ऐसे मान लो 10 20 50 अगर लाख साइट है, लिस्ट है, तो आपको काफी टाइम लग जाएगा करने में, क्योंकि अगर पूरे दिन भर में ज्यादा कुछ करेंगे तो आप 2000 करेंगे, और इससे ज्यादा की एफिशिएंसी नहीं है क्या सर? तो इस केस में हम, लेकिन ये रिपीटेड जॉब नहीं है, एक ही बार आया है, इन फ्यूचर में आएगा या नहीं भी आएगा गारंटी नहीं है, आएगा 2-4-5 साल बाद आएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हमने देखा कि हमारा टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम वीवीए का इस्तेमाल लेंगे। वीवीए के जरिए सिंपल एक फंक्शन बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, यहां देखिए, फंक्शन URL एंड एज ए रेंज, और फिर URL.equal a dot hyperlinks 1, .address। बस सिंपल सा एक लाइन कोडिंग लिखा। अब मैं यहां पे देखिए URL नाम का एक नया फॉर्मूला बना दिया मैंने, माइनस नहीं हुआ, ठीक है, जो कि हाइपरलिंक निकालता है। डबल क्लिक कीजिए, सुनाया सर?
क्या हुआ सर, ये समझ में आ तो गया, बस या क्या? मैं आपको कोटिंग नहीं समझा रहा हूँ, मैं अभी आपको सिचुएशन समझा रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर से दवाई लेते हो तो क्या पूछते हो कि कब कब खाना और कैसे खाना है, ये तो नहीं पूछते हो कि कैसे बनी है। कैसे बनी है इसके लिए तो फिर आपको दवाई की पूरी फार्मास्यूटिकल पढ़नी पड़ेगी। सेम उसी तरह से अभी हम आपको मेडिसिन की ये नहीं पढ़ा रहा हूँ, फार्मास्यूटिकल नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ कि दवाई कैसे लेनी कब कब लेनी। तो मैंने वीवीए को आपको कब कब इस्तेमाल करना है, समझ गए? वीवीए क्या है उस तो हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे, अभी आपको ये जानना जरूरी है ना कि आप इस्तेमाल कब करोगे। ऐसा बताने का पर्पस क्या है, क्या होता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स, अगर मैं उनको नहीं समझाता हूँ तो क्या करते हैं कि ऐसे अननेसेसरी चीजों पर टाइम वेस्ट करते हैं और उनसे होता नहीं है तो फोन करके मुझे परेशान करते हैं। बाद में बताता हूँ कि यार तुम वीवीए से इसको क्यों कर रहे हो, तुम सिंपल एक्सेल से कर लो क्या। तो वही चीज समझाना होता है कि वीवीए पे एफर्ट हम कब लगाएंगे, जब उसका यूज होगा ना, हमको यूज कब होगा वो सिचुएशन में समझा रहा हूं। समझ में आया सर, बात समझ में आएगी? समझ में कि क्यों समझा रहा हूं ऐसा मैं आपको? आई सी वो तो पता है सर, आप समझा रहे हैं वो तो सही है। तो ये आपको मैंने समझा रहा हूँ सिचुएशन कि आप रिपीटेड जॉब पे वीवीए इस्तेमाल करेंगे या फिर लेंथी वर्क, नॉर्मल ऐसा काम जो सिंपली हो जाए उस पे करने की जरूरत नहीं है, समझ गए जी सर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर वीवीए होता क्या है। वीवीए जिसका फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक एडिटर, सॉरी विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, माफ कीजिएगा गलती बोल दिया मैंने, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन आखिर है क्या? तो ये एक लैंग्वेज है, इट्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि VV6 से इंस्पायर होकर बनी हुई है। इसके अधिकतर कंपोनेंट, अधिकतर प्रोग्राम का जो लैंग्वेज है वो आपका VV6 का है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहीं पे एनकोड होती है ना, एनकोडिंग प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए, तो वो होता है वीवीई, विजुअल बेसिक एडिटर, जो कि यहां एक्सेल में इनबिल्ड होता है, जो आप देख रहे हैं इसको वीवीई बोलते हैं, विजुअल बेसिक एडिटर, समझ गए? इसको इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं, हम प्रोग्राम यहां करते हैं। तो वीवीए कहां कहां यूज होता है? तो वीवीए एमएस ऑफिस की हर एक एप्लीकेशन पे होता है, जैसे आउटलुक, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, इन सारे एप्लीकेशन पे हम वीवीए का इस्तेमाल करते हैं। अब वीवीए, अगर मान लीजिए वीवीए एक फैक्ट्री है तो इसके प्रोडक्ट क्या क्या है? तो वीवीए के जरिए हम बनाते हैं मैक्रोज, समझ गए? मैक्रोज को हम ऑटो पायलट कह सकते हैं। अब ये मत समझिए कि मैक्रो मतलब ये रिकॉर्ड मैक्रो हुआ, बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन होती है कि रिकॉर्डिंग मैक्रो को मैक्रो किया जाता है और जो हम कोडिंग लिखते हैं उसको वीवीए मैक्रो कहा जाता है। तो माइक्रोज भी वीवीए का पार्ट है। रिकॉर्ड माइक्रो क्या करता है? एक इनबिल्ट टूल्स है, ये भी एक तरह का बना हुआ माइक्रो ही समझिए, जो कि आपके हर एक एक्शन को वीवीए प्रोग्रामिंग के जरिए माइक्रो लिख देता है। मतलब जो आप माइक्रो लिखते हो सिस्टम ऑटोमेटिकली माइक्रो लिख देता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर रोबोट डॉक्टर हो तो क्या करेगा, आप सेंटेंस बताओगे तो आपके सेंटेंस को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए वो मेडिसिन बता देगा। तो डॉक्टर तो नहीं हुआ ना, किसी डॉक्टर के द्वारा किया गया प्रोग्राम है वो, समझ गए? तो माइक्रोस के जरिए हम क्या बनाते हैं? ऑटो पायलट। मतलब कि आप जो डेली बेसिस पे मान लीजिए एक रिपोर्ट बनाते हैं जो कि 2 घंटे से 3 घंटे टाइम लगता है, उसको उस रिपोर्ट को आप जो है 50 प्रोसेसर बनाते हो और 10 कंडीशन बनाते हो, तो आप उसी प्रोसेस को, उसी कंडीशन को लाइन बाय लाइन
मतलब एक प्रोसेस, एक एक्शन, एक लाइन, लाइन में लाइन कोड विद कंडीशंस आप अगर डाल लेते हो तो माइक्रो, जब उस माइक्रो को ट्रिगर करोगे आप नेक्स्ट टाइम, तो आपका रिपोर्ट जो है उसी कंडीशंस और कोड मतलब स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपका रिपोर्ट प्रिपेयर कर देगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक रिपोर्ट बनाते हो कि भाई एक फाइल को ओपन करना है, उसके सीट वन पे जाना है, डेटा को ए वन पे जाके कंट्रोल ए करके डेटा सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है, एक नई सीट क्रिएट करनी है, उस पर पेस्ट करना है, फिर उस पर पिवट लगाना है, फिर पिवट में आपको समरी बनानी है, फिर चार्ट लगाना है, फिर कॉपी करके वैल्यू पेस्ट करके पिवट रिमूव करना है। तो इसे जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को आपको कोड के जरिए लिखना है लाइन बाय लाइन। तो इसको एज ए कोड, एज ए प्रोग्रामिंग में समझिए, इसको समझिए एक लैंग्वेज। अगर इसको सही तरीके से सीखना है आपको, तो आप इनसे बातचीत करना आपको सीखना होगा। ये समझिए जैसे आप बंगला सीखते हैं, उर्दू सीखते हैं, आप रशियन सीखते हैं, जर्मन सीखते हैं, फ्रेंच सीखते हैं, तो क्या है वो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। तो आप ये समझ लीजिए कि VBA प्रोग्रामिंग भी आपका एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, जो कि आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं एक्सेल के साथ। आप अपनी बात, आप अपना ऑर्डर और अपना इंस्ट्रक्शंस एक्सेल को समझाना चाहते हैं उसकी भाषा में, समझ गए। इस तरीके से आपको सीखना है। तो पहला माइक्रो, जो कि एक माइक्रो मतलब एक ऑटो पायलट इसको कह सकते हैं, वो बनाते हैं। फिर दूसरा बनता है फंक्शन। फंक्शन मतलब कि फॉर्मूला, जैसे वी लुकअप, एच लुकअप, ऐसे फॉर्मूले। अभी आपको जो मैंने URL बनाया वो एक फॉर्मूला है, ऐसे फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्यों क्रिएट करेंगे? कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ऑलरेडी बीवी एक्सेल में इतने सारे फॉर्मूले हैं, वही नहीं समझ में आता। आप बोल रहे हो कि खुद से फॉर्मूला बनाओ, इसीलिए फंक्शन दिया गया है। मान लीजिए कुछ ऐसा फॉर्मूला है जो कि एक्सेल में दिया हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपनी जो जो रिजल्ट आपको चाहिए, उस जो कंडीशन आपके पास है उसके अकॉर्डिंग खुद का फॉर्मूला बना लीजिए। या बहुत जैसे मान लीजिए वी लुकअप ही देख लीजिए, तो वी लुकअप लिस्टिंग आपको मैंने सिखाया था, कितना कॉम्प्लिकेटेड था आपको मैंने जो इनकम टैक्स कैलकुलेट करना सिखाया था, कितना कॉम्प्लिकेटेड था। आप उसके लिए शॉर्ट फॉर्मूला बना लीजिए। ये तो हो गई आपकी एक्सेल यूज के लिए। हम फंक्शन का यूज ज्यादातर माइक्रोज के अंदर भी करते हैं। क्यों? जैसे मान लीजिए कि आप एक प्रोग्रामिंग कर रहे हो और एक कैलकुलेशन है, मान लीजिए कि एक परसेंटेज निकालने का कैलकुलेशन है, उसकी कोडिंग मान लीजिए 10 या 20 लाइन का है। मान लीजिए अब 20 लाइन की कोडिंग और उस परसेंटेज की कैलकुलेशन को आपको 10 जगह इस्तेमाल करना है, तो उस 20 लाइन कोडिंग आपको 10 जगह लिखने पड़ेंगे या फिर कॉपी पेस्ट करने पड़ेंगे। लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, कॉपी पेस्ट करेंगे तो साइज बढ़ेगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि फंक्शन एक फॉर्मूला बना देंगे और फिर जहां जहां हमें जरूरत है वहां वहां उसको कॉल कर लेंगे। जैसे कि हम डिफाइन नेम में करते थे ना, कि एक जगह नाम डिफाइन कर दिया और जगह जगह पे कॉल कर लिया, जस्ट लाइक दैट। तो फॉर्मूला बना दे। तीसरा पार्ट जो आता है इसमें वो आता है यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म क्या है? इट्स इंटरफेस। जैसे कि आप एक मतलब कि एक समझ जाइए कि इनपुट लेना चाहते हैं आप किसी से, तो इनपुट को कहीं स्टोर करना चाहते हैं और इनपुट को वैलिडेट लेना चाहते हैं कि भाई जो मैं चाहूं वही इनपुट करे, गलत इनपुट ना करे या अननेसेसरी इनपुट ना करे, या जिसको मैं लॉगिंग दू वही इनपुट करे। तो ऐसे चीजों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूजर फॉर्म, या भी कह सकते हैं इंटरफेस। अब मान लीजिए कि पिवट टेबल कोई ऑप्शन नहीं होता, तो पिवट टेबल बनाने का आप अगर माइक्रो क्रिएट करते हैं तो आपको ये इंटरफेस देना पड़ता ना। अब इस इंटरफेस में फायदा क्या है? यहां पे आपको रेंज देना होगा या फिर चूज करना होगा कि भाई अदर डेटा सोर्स है, न्यू शीट पे बनाना है या एग्जिस्टिंग शीट पे बनाना है। तो अगर ये इंटरफेस नहीं होता तो हमें कितने माइक्रो बनाने पड़ते? हमें 4-5 माइक्रो बनाने पड़ते ना। लेकिन यहाँ पे हमने एक इंटरफेस दे दिया, यूजर जिस तरह से एंट्री कर रहा है हमारा एक ही माइक्रो उस इनपुट को लेते हुए इस्तेमाल कर रहा है।
तो इधर फॉर्म इसलिए इस्तेमाल होता है। तो आप लोगों को समझ में आया कि मैक्रोज क्या है, फंक्शन क्या है और यूजर फॉर्म क्या है, कोडिंग करेंगे तो कहां करेंगे, वीवीए क्या है और कब यूज करेंगे इस्तेमाल, कब इस्तेमाल ना करेंगे। जी जी समझ में आ गया, किसी को डाउट? अब बात करती है प्रिपरेशन, मतलब कि आपको वीवीए यूज करने से पहले क्या क्या प्रिपेयर करना हो। सबसे पहले डेवलपर टैब आना चाहिए, डेवलपर टैब आपके सिस्टम में होना चाहिए। तो डेवलपर टैब कैसे लाना है सबको पता है, नहीं बताया तो फाइल के अंदर में, ऑप्शन के अंदर में कस्टमाइज रिबन, और इसमें यहां डेवलपर टैब लाता है। उसके बाद आप अपना माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल करना है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है। अगर डिसेबल रहेगा तो आपका माइक्रो डायरेक्ट परफॉर्म नहीं करेगा जब तक कि आप अनेबल नहीं करते। तो हर फाइल के लिए पॉपअप आएगा, हर बार पॉपअप आएगा अनेबल करने के लिए, इवेंट माइक्रो वगैरह नहीं चलता है, इसलिए इसका ध्यान रखिए, ठीक है। तीसरा, आप अपने फाइल को जब भी आप माइक्रो वाली फाइल इस्तेमाल करें, उस फाइल को जो सेव करते हैं, सेव करते समय जो टाइप होता है, यहां डिफॉल्ट होता है एक्सेल वर्कबुक, यहां पे क्या सिलेक्ट करेंगे, एक्सेल वर्कबुक रहने देंगे, माइक्रो इनेबल्ड, माइक्रो अनेबल वर्कबुक। एक्सेल वर्कबुक होता है माइक्रो डिसेबल फाइल होती है, मतलब कि अगर इसके अंदर अगर कोई माइक्रो इंस्टॉल करते हैं, माइक्रो अगर कोड करते हैं तो आपका जब तक ओपन है तब तक परफॉर्म करेगा। जैसे आपने सेव करके क्लोज किया, अगेन ओपन करोगे, माइक्रो पूरा डिलीट हो जाएगा। तो हम इसको बाय डिफॉल्ट भी कर सकते हैं, सादा काम भी इस पर कर सकते हैं ना, हाँ। माइक्रो वाला भी अगर इसको माइक्रो से रिलेटेड कोई काम नहीं कर सकते एक्सेल वर्कबुक में, काम होगा, रन भी होगा बिफोर द सेव, जैसे सेव करेंगे नहीं नहीं हाँ रिमूव हो जाएगा। माइक्रो अनेबल माइक्रो अनेबल वर्कबुक लेते हैं तो उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं, जो एक्सेल वर्कबुक में काम होगा वो भी होगा और माइक्रो वाला भी पार्ट होगा, दोनों होगा। बट इसका एक्सटेंशन चेंज हो जाएगा .xlsm, समझ गए? तो बहुत सारे अब सॉफ्टवेयर है जो कि एक्सेलस फाइल अपलोड करती है तो वहां पे फाइल अपलोड नहीं, डेटा अपलोड नहीं होगा, क्योंकि तो एक्सटेंशन चेंज एक्सेलस एम है, समझ गया ना जी। तो आप इसको एक्सेल ऑप्शन पे जाके, यहां सेव पे जाके इसको आप डिफॉल्ट सेटिंग कर लीजिएगा, नहीं करेंगे तो गलती से कभी छूट गया तो आपका डिलीट हो जाएगा पूरा, राइट? समझ गए जी। अब बात करते हैं कि उससे पहले क्या करें। देखिए, जब भी हम हर किसी स्टूडेंट को हम वीवीए पढ़ाते हैं, एक वेबसाइट की कुछ आर्टिकल्स हैं वो हम पढ़ने के लिए देते हैं, हर किसी को देते हैं। अगर इससे पहले किसी ने एक्सेल क्लास वीवीए क्लास लिया होगा तो वो भी पता होगा उसको, excel-vva.com, समझ गए? ये साइट मेरी नहीं है जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, मैं रिकमेंड इसलिए कर रहा हूं कि फर्स्ट टाइम मैंने इसको पढ़ा था और मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मुझे वीवीए के बारे में एबीसीडी भी नहीं आता, ठीक है। तो आप भी इसके 33 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 से लेकर 3 सेक्शन है उसके, 33 चैप्टर्स है, ग्राफिकली बड़ी अच्छी तरह समझाया गया है। मैं चाहता हूं, अब मैं तो नहीं बोलूंगा पूरा पढ़ लें क्योंकि मुझे ये उम्मीद नहीं है आप लोगों से आप पूरा पढ़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट 5-10 चैप्टर पढ़ लें, क्या बोल रहे हैं सर? हेलो सर। तो एक चैट पे हम आपको ये भेज दे रहे हैं, ठीक है, excel-vva.com। और सर, इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि एक्सेल की तरह होमवर्क के लिए मत कीजिएगा प्लीज, इसमें आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगर आपके ऑफिस में कहीं प्रॉब्लम चल रही है तो आप ब्रेक ले लीजिए,
जब आपकी ऑफिस की प्रॉब्लम सॉल्व सही जाएगी देन वीवीएस सीखिए। ठीक है, तो इसमें शुरुआत में सर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि आप इंग्लिश सीखने गए थे सबसे पहले क्या किया था आपने, वर्ड मीनिंग याद किए थे ना, वर्ड्स बैंक आपने क्रिएट किया होगा कि किस वर्ड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या सर? ऐसे आप यहाँ पे वर्ड बैंक बनाना पड़ेगा कि किस ऑब्जेक्ट के लिए क्या कोड होता है, जैसे सीट के लिए सीट्स कोड होते हैं, वर्क फाइल के लिए वर्कबुक होता है, रेंज के लिए रेंज होता है ना सर, ऐसे भी आपको याद करने पड़ेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम होना चाहिए सर। ठीक है, तो आप लोग इसको इस आर्टिकल को पढ़िए, कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे रिकॉर्डिंग मैक्रो एंड रिकॉर्डिंग मैक्रो पर किस तरह से चेंजिंग करेंगे, ठीक है, और रिकॉर्डिंग मैक्रो को लर्निंग पर्पस में कैसे इस्तेमाल करेंगे ये हम आपको कल की क्लास में समझाएंगे। ओके ठीक है, ओके बाय। हेलो हेलो सर, अभी 9 PM एडवांस एक्सेल की क्लास है क्या?